हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के सेशन में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं मैट्रिक्स के, अपना जो नेक्स्ट लेक्चर है यानी लेक्चर नंबर 2 को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आइएगा आज के सेशन को हम प्रॉपर वे में देखेंगे। उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। आइएगा दोस्तों, मैं आगे चलने की कोशिश करता हूँ। चैप्टर 1 चल रहा है जिसे हम मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम सिलेबस की बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि सिलेबस ही आप लोगों के लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि सिलेबस अगर नहीं पता है मेरे भाई तो आप चीज़ों को करोगे कैसे? ठीक है, चैप्टर 1 जैसे मैं बोल रहा हूँ दोस्तों मैट्रिक्स का, ये दोस्तों ये मैट्रिक्स हमारा चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, ये 2-3 इसकी 4 यूनिट हैं, इन यूनिट में भी हमें कुछ चीज़ें हैं जैसे मैं पढ़ूँगा। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा दोस्तों, तो मैंने आप लोगों को एडिशन बता दिया है कि एडिशन कैसे किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों चीज़ें बता दिया है दोस्तों। मैं आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन भी बताया कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। आज हम डेफिनेशंस की बात करूंगा, जैसे नल मैट्रिक्स रहेगा दोस्तों, यूनिट मैट्रिक्स रहेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा, सिमेट्रिक रहेगा दोस्तों, स्क्यू मैट्रिक्स रहेगा, स्क्यू सिमेट्रिक रहेगा, हर्मिटियन, हर्मिटियन आगे का चैप्टर है, स्क्यू हर्मिटियन ये आगे का चैप्टर रहेगा, ऑर्थोगोनल रहेगा दोस्तों, यूनिट यहाँ पे है, यूनिटरी डायगोनल एंड ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये सारी चीज़ें और यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, डिटरमिनेंट वही है दोस्तों, जो मॉड ऑफ ए निकालते हैं आप लोग, वही डिटरमिनेंट है। ठीक है, तो बातें हम आप लोगों से प्रॉपर वे में सब कुछ करेंगे, लेकिन आप लोगों को यहाँ का सिलेबस जो होना चाहिए मेरे भाई पता होना चाहिए। ठीक है, तो सिलेबस आई होप आप लोग देख लिए होंगे कि यही सारे डेफिनेशंस होंगे जो आज हम कराने वाले हैं। और दोस्तों इस या जो जो है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स इन्वर्स जो है, यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में 10 नंबर जरूर पूछा जाएगा। इसी हम बात बोल रहे हैं, इस चैप्टर 1 के यूनिट नंबर 1.1 से आप लोगों को 10 नंबर का क्वेश्चन मिल जाता है मेरे भाई। ठीक है, तो चीज़ों को बहुत अच्छे वे में देखना है दोस्तों। जो यहाँ पे मैं आप लोगों को डेफिनेशंस लिखाऊंगा, ये डेफिनेशंस कहीं ना कहीं आप लोगों को एग्ज़ाम में हर बार आते हैं। ठीक है, हर बार आने की इनकी पॉसिबिलिटी रहती है, तो आप लोगों को इन सारे चीज़ों को पढ़ के चलना है मेरे भाई। ठीक है, आइएगा आगे चलना चाहेंगे दोस्तों, तो आगे रहेगा जैसा कि आप लोगों को पता है आज हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने आए, हमारा लेक्चर 2 है मेरे भाई। चलिएगा हम बात करते हैं अपने टॉपिक को। ठीक है, तो टॉपिक रहेगा मेरे भाई यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स का। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स आखिर होता क्या है, इसके बारे में सबसे पहले हम लिखेंगे कुछ चीज़ें। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में हमें लिखने को आएगा मेरे भाई, तो हमें लिखना पड़ता है। ठीक है, तो क्या 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 चीज़ें लिखेंगे उसको थोड़ा ध्यान समझिएगा मेरे भाई कि आखिर हम लिखेंगे क्या। सर तो बताइएगा क्या लिखना है। लिखेंगे दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे लिखेंगे, इसमें ऐसा मैट्रिक्स या ऐसा अव्यूह लिखेगा, ऐसे लिखना है एग्ज़ाम में दोस्तों, लिखेंगे ऐसा अव्यूह, ऐसा अव्यूह जिसमें जिसमें पंक्तियों, वर्ग की बात की जा रही है दोस्तों, पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या संख्या समान हो उसे वर्ग अव्यूह कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, आई होप ये बात आप लोग क्लियर हो गया होगा कि पंक्तियों यहाँ पे लिखा गया है। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है, मैं इसे हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ, आप लोग ध्यान से समझिएगा। हमने कहा इसमें पंक्तियों, ये पंक्ति है दोस्तों और ये स्तंभ है। ठीक है, इनकी संख्या जो रहेगी दोस्तों इसमें हमारी क्या रहती है, समान रहती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या रहती है, समान रहती है, यही चीज़ आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है मेरे भाई। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तभी जाके मज़ा आने वाला होगा। तो यहाँ पे हमने क्या कहा, पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या रहेगी मेरे भाई, समान रहेगी। ठीक है, आइएगा सर इसके बारे में थोड़ा समझा दीजिएगा कि आखिर पंक्तियों और स्तंभों की संख्या का मतलब क्या है। ठीक है, चलेगा, तो देखिएगा दोस्तों पंक्ति हम किसे कहते हैं, मान लीजिएगा एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को एग्जाम में भी बताना होता है मेरे भाई। ठीक है, एग्जाम्पल तो आप लोगों को देना ही देना है एग्जाम में भी, तो यहाँ पे भी एग्जाम्पल देखे समझिएगा, जो कहा जा रहा है उसी को ध्यान रखिएगा। पंक्तियों यहाँ पे लिखा गया है मेरे भाई, पंक्तियों और तथा स्तंभों की संख्या क्या हो, समान हो, यानी कहने की बातें हैं मेरे भाई, जितनी पंक्तियाँ होगी उतने ही स्तंभ होने चाहिए, तभी हमारा वो क्या कहलाएगा, वर्गाव्यूह। जैसे यहाँ पे मैं लेता हूँ 2, 4, 6, 8, बताइएगा ये हमारा वर्ग अव्यूह है या नहीं है, बोलेंगे जी हाँ सर इसमें एक पंक्ति
दो पंक्ति, एक स्तंभ दो स्तंभ, यानी पंक्तियां और स्तंभों की संख्या समान है मेरे भाई। एक हमारा पंक्ति को डिनोट करता है, एक हमारे स्तंभ को, यानी दो पंक्तियां दो स्तंभ है, इसके लिए हम इसे क्या बोलेंगे, वर्गाव्यूह या स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। सर एक मैं और ले लेता हूँ, उसको भी मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे दो एक तीन चार पाँच जीरो तीन दो एक, क्या ये भी हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है मेरे भाई? बोलेंगे सर इसमें भी पंक्तियों की संख्या समान है, देख सकते हैं तीन पंक्तियां हैं, ठीक है, तीन स्तंभ हैं, तीन स्तंभ भी हैं, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, ये भी हमारा क्या कहलाएगा मेरे भाई, वर्ग आव्यूह कहलाएगा। दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, वर्ग आव्यूह हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पंक्तियाँ कुछ और हैं, जैसे मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे दो चार छः लिया, तीन चार छः लिया, बताइएगा ये हमारा वर्ग आव्यूह है? बोलेंगे नहीं है सर, यहाँ पे पंक्तियों की संख्या कितनी है दोस्तों, पंक्तियाँ एक दो, दो पंक्तियाँ हो गए, स्तंभ कितने, एक दो तीन स्तंभ होंगे, क्या ये हमारा वर्ग आव्यूह है? बोलेंगे सर ये हमारा वर्ग आव्यूह नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चीज़ें हमारे बहुत अच्छे वे में क्लियर होंगी दोस्तों, तभी जाके आप लोगों को भी मज़ा आने वाला होगा, ठीक है। अब इस डेफिनेशन को जरूर याद रखेंगे दोस्तों, कि ऐसा बोलेंगे ऐसा आव्यूह जिसमें, या ऐसा मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों तथा स्तंभों, ठीक है, पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या क्या होगी, समान होगी, उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, उसे हम वर्गाव्यूह या स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट रहेगा मेरा दोस्तों, यहाँ पे दूसरा मैं लेना चाहूँगा, जिसे हम बोलूँगा दोस्तों, जो हमारे सिलेबस में है, सिलेबस वाली बातों को हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसे हम बोलेंगे नल मैट्रिक्स, ठीक है। चीज़ें आप लोग देखते रहिएगा, चीज़ें थोड़ी सी इधर उधर हो सकती हैं, लेकिन सारी चीज़ें आप लोग को मिलेंगी, ठीक है। आइएगा देखिएगा दोस्तों, मैं हेडिंग डालता हूँ नल मैट्रिक्स की, ठीक है। नल मैट्रिक्स मतलब क्या होता है मेरे भाई, शून्य आव्यूह, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम बोलेंगे शून्य आव्यूह, यहाँ पे लिख देते हैं शून्य, रिक्त आव्यूह भी बोला जाता है, रिक्त मतलब होता है खाली, शून्य आव्यूह, ठीक है दोस्तों। इसे आप लोग रिक्त आव्यूह भी कर सकते हो, क्योंकि रिक्त मतलब भी होता है खाली। अब दोस्तों इसमें क्या कहा जाएगा कि कोई ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें सभी एलिमेंट्स जो होंगे, सभी अवयव होंगे, अवयव का मतलब होता है दोस्तों यही जो तीन चार पाँच जो चीज़ें लिखी जाती है इसके अंदर, वो सारी चीज़ें क्या हो, जीरो हो, यानी कुछ भी ना हो उसमें, या जीरो हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, उसे हम नल मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे कि नल मैट्रिक्स को हम जेड से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे दोस्तों इसका डेफिनेशन जो होगा, इसको थोड़ा सा लिखेंगे आप लोग, क्या लिखेंगे, लिखिएगा मेरे भाई कि ऐसा आव्यूह, ऐसा आव्यूह, देखिएगा मैं आपके बुक की लैंग्वेज को नहीं लिखवा रहा हूँ भाई, अगर बुक की लैंग्वेज को लिखना होगा तो आप लोगों को एग्जाम में याद नहीं हो पाएगा, ठीक है। लिखेंगे दोस्तों ऐसा आव्यूह जिसके जिसके प्रत्येक अवयव या प्रत्येक एलिमेंट, प्रत्येक अवयव या इसी में हम लिख देते हैं या एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट मतलब ही होता है अवयव, इंग्लिश वाले भी लिख लेंगे एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट्स लिख सकते हो, शून्य हो तो ऐसे आव्यूह को, ऐसे आव्यूह को क्या कहेंगे, शून्य आव्यूह कहते हैं, शून्य आव्यूह कहते हैं मेरे भाई, ठीक है, शून्य आव्यूह कहते हैं। अब बेसिकली जो शून्य आव्यूह होता है दोस्तों, इसे हम किससे डिनोट करते हैं, लिख सकते हैं यहां पे लिख लीजिएगा, इसे जेड से डिनोट किया जाता है, या जेड से, इसे जेड से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है, किया जाता है, ठीक है। आइएगा मेरे भाई इसका एग्जाम्पल लेने की कोशिश करते हैं, इसका एग्जाम्पल बहुत ही इजी है। इजी का क्या क्या मतलब है, इजी का क्या तात्पर्य है, सर एग्जाम्पल लीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले एग्जाम्पल लिखिएगा मेरे भाई। हमने कहा कि ऐसा कोई मैट्रिक्स लीजिएगा जिसके सभी अवयव, अवयव यही है, दो हो गया, चार हो गया, छः हो गया, आठ हो गया, ये सारे अवयव हैं। मैट्रिक्स होना चाहिए, सबसे पहले आपके पास मैट्रिक्स है मेरे भाई,
ये मैट्रिक्स हो गया, इसके सभी अवयव क्या हो, जीरो हो, जैसे यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे भी जीरो। तो ये जो मैट्रिक्स कहलाएगा ये 2x2 का मैट्रिक्स होगा दोस्तों, यानी दो ही पंक्तियाँ, दो ही स्तंभ हैं, इसलिए हमें ये जो मैट्रिक्स होगा ये हमारा क्या, कौन सा मैट्रिक्स होगा, ये हमारा नल मैट्रिक्स। अगर दोस्तों मैं एक और एग्जाम्पल लेना चाहूँगा तो यहाँ पर लिख सकता हूँ जीरो 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 जीरो, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो। ये कौन सा मैट्रिक्स होगा दोस्तों, ये हमारा 3x3 का नल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इन दोनों अभ्यूह को आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। हमने अभी कुछ नहीं बताया मेरे भाई, अभी हमने केवल स्क्वायर मैट्रिक्स बताया और नल मैट्रिक्स बताया, ठीक है। आगे मैं चलना चाहूँगा दोस्तों, आगे और भी मैट्रिक्स हैं जिसे मैं बोलूँगा विकर्ण या डायगोनल मैट्रिक्स जो है दोस्तों यहाँ पे है। ये सारी चीज़ें ध्यान रखा गया कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, और हमारा यहाँ पे स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, हर एक चीज़ को हम यहाँ पे देखते चलेंगे, ठीक है। बस चीज़ों को आप लोग ध्यान से समझते चलिएगा, चीज़ें हमारी जो हो क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। आइएगा आगे चलते हैं दोस्तों, हम विकर्ण अवयव जिसे हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा। तो दोस्तों मेरा जो नेक्स्ट रहेगा उसे मैं बोलूँगा डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। इंग्लिश वाला टर्म लिख देता हूँ यहाँ पे, डायगोनल मतलब होता है, पहले हिंदी लिख लीजिएगा, विकर्ण अवयव, क्या लिखेंगे, विकर्ण अवयव लिखेंगे, ठीक है। हमारा जो है चीज़ें जो होंगी अच्छे वे में क्लियर होनी चाहिए भाई। विकर्ण अवयव को हम इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों डायगोनल मैट्रिक्स, क्या बोलेंगे, डायगोनल डायो ए रहेगा ना, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है भाई, इसको ध्यान से समझिएगा कि आखिर हमारा विकर्ण अवयव क्या होगा, इसमें क्या कहा जाता है, इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि इजी है, ठीक है। इजी का मतलब होता है जितना जो सिंपल होता है दोस्तों वो उतना हार्ड भी होता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। चीज़ें आज अगर आप लोग देख रहे हैं तो आपको सिंपल लगेंगी, ठीक है, अगर यही चीज़ें बाद में देखेंगे दोस्तों तो आप लोगों को यही टफ लगने लगेगा, ठीक है। तो चीज़ें आप लोगों की बहुत ही सिंपल है, बस आप लोगों को ध्यानपूर्वक देखना है। और एक चीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर नए रहेंगे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों विकर्ण अवयव क्या होगा, लिखेंगे ऐसा अवयव या ऐसा वर्ग अवयव लिखेंगे, ऐसा वर्ग अवयव, वर्ग अवयव जिसके जिसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर मुख्य विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव या एलिमेंट, सभी अवयव क्या हो मेरे भाई, सभी अवयव शून्य हो उसे विकर्ण अवयव कहते हैं, उसे विकर्ण अवयव कहते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारा विकर्ण अवयव का डेफिनेशन दोस्तों, इतना ही एग्जाम में लिखना है, 5 नंबर में आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइएगा एग्जाम्पल मैं लेना चाहूँगा मेरे भाई, एग्जाम्पल क्या रहेगा, एग्जाम्पल बहुत ही ईजी रहने वाला है। हमने कहा कोई ऐसा वर्ग अवयव, वर्ग का मतलब एक चीज़ समझ लीजिएगा आज के अपने जीवन में, कि वर्ग का मतलब इतना होता है कि 2x2 से, यानी पंक्तियों की संख्या समान हो, स्तंभों की संख्या समान हो, तब वहाँ पे हमारा वर्ग अवयव होता है। ये तो हमारा हो गया 2x2 का, ठीक है। अब यहाँ पे 3x3 का भी हो सकता है मेरे भाई, ये भी तो हो सकता है ना, यहाँ पे 3 स्तंभ और 3 कॉलम भी हो सकते हैं, ठीक। आइएगा, हमने कहा दोस्तों कि ऐसा वर्ग अवयव होगा जिसके मुख्य विकर्ण, मेन विकर्ण क्या होता है, यहाँ पर मैं चीज़ों को लिख देता हूँ, यहाँ पर 0 0 1 है, ठीक है। मैं ये जो बोल रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे 1 नहीं है, 2 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चल के बताऊँगा ये कौन सा मैट्रिक्स बन जाएगा, यही होता है मेन विकर्ण, क्या होता है मेरे भाई, इसी को हम बोलते हैं क्या, मुख्य विकर्ण बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों को जो दिखाया मैंने, यही मेरा क्या है मेरे भाई, ये मेरा है मुख्य विकर्ण, ठीक है, यहाँ मेन मैट्रिक्स बोलेंगे, मुख्य विकर्ण, मेन डायगोनल बोलेंगे, ठीक है, मुख्य विकर्ण बोलेंगे, ठीक है, ये मुख्य विकर्ण हो गया। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, जैसे मैं लेता हूँ यहाँ पे 1 0 0 0 ही है भाई, और यहाँ पे 0 लेता हूँ, यहाँ पे 2 लेता हूँ, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे मैं 4 ले लेता हूँ, ठीक है। तो मुख्य विकर्ण को छोड़कर, यानी मेन विकर्ण कौन है मेरे भाई, आप लोग फिर से देखिएगा मेन विकर्ण कौन सा है, तो यहाँ पे देखिएगा मेन विकर्ण मेरा यही है सर,
ये जो आ रहा है ना, ये लाइन जो हम डॉटे डॉटे दिखा रहे हैं, यही मेरा मेन बिगड़ को डिनोट करता है। ठीक है, ये मेरा क्या है मेरे भाई, ये मेरा मेन बिगड़ है। ठीक, इस बात को ध्यान रख लीजिए कि नहीं रख लीजिए, तो यही क्या है मेरा, यही मेरा क्या है, मुख्य बिगड़ है मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं मुख्य बिगड़। इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो लिख लीजिएगा मेन डायगोनल। ठीक है, मेन डायगोनल। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये चीज़ें आप लोग बहुत सिंपल है मेरे भाई, इसमें बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस क्या था बताइएगा आप लोग, कुछ नहीं था। कि यहाँ पे कहा गया कोई ऐसा मैट्रिक्स होगा या कोई ऐसा वर्ग अवयव होगा जिसके सभी जिसके विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, उसे हम क्या कहेंगे, विकर्ण अवयव कहेंगे। ठीक है, तो चलेगा, आगे चलते हैं मेरे भाई। अगला जो टॉपिक होगा इसमें हम बात करना चाहेंगे, बहुत सिंपल सिंपल से टॉपिक हैं, बस चीज़ें आप लोग ध्यान से देखना है। आज का लेक्चर, आज का जो लेक्चर होना होगा दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में 5 नंबर में 100% मिलेगा। ठीक है, 5 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा आज के सेशन को देखने से। ठीक है, अब हमारा रहेगा दोस्तों, हम नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ चलना चाहेंगे, और आप लोगों से नेक्स्ट टॉपिक टॉपिक्स पे चलने से पहले आप लोगों को मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, कि जो भी स्टूडेंट्स अभी तक स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप पे अपने क्लास को इनरोल नहीं किया है दोस्तों, जल्दी से जाके क्लास को इनरोल कर लीजिएगा। मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं दोस्तों, यहां पे आप लोगों की चैप्टर 1 की डेमो क्लासेस दी जाएंगी, और जो भी आप लोगों के इंपॉर्टेंट जैसे आप लोगों ने देखा इसके पहले, जैसे हम आप लोगों को बताए थे, ठीक है, वैसे ही क्लासेस चलेंगी। लेकिन अगर कंप्लीट कोर्स करना है दोस्तों, तो आप लोगों को स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप पे ही जाना होगा दोस्तों। इतने इजीली वे में बताऊंगा कि हर एक चीज़ आप लोग क्लियर हो जाएगी। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे कि इस प्रकार से आप लोगों को यही बता रहा होगा। ठीक है, सिंपल से वे में बुक में जो लिखा गया है उसको देख के छाप के बस हो गया, लीजिए खत्म बात, नहीं ऐसे नहीं होता है। ठीक है, मैथ को हमें सीखना होता है दोस्तों, और मैथ को सीखने के लिए हमें क्या करना होता है, प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो आप लोग स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप पे जाके अपने क्लास को सभी स्टूडेंट्स इनरोल कर लेंगे। क्लास की बहुत ज़्यादा फीस नहीं मेरे भाई, मैं बात कर रहा हूँ 199 रुपये में आप लोग कंप्लीट कोर्स मिल रहा है। कितने में? 199 में कंप्लीट कोर्स मिल रहा है, जिसमें आप लोगों के सब्जेक्ट्स की बात करना चाहूँगा, जो टोटल सब्जेक्ट्स हैं वो टोटल 6 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, 6 सब्जेक्ट में आप लोगों का 2 सब्जेक्ट तो स्टार्ट हो गया है, जिसमें हम आप लोगों को बात कर रहे हैं यहाँ पे मैथ तो स्टार्ट ही है आप लोगों का, मैथ जो थर्ड है ये तो स्टार्ट ही है। उसके बाद आप लोगों का डिजिटल यानी DE जो है दोस्तों, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, ये भी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो इसमें भी 3-4 लेक्चर हो चुके हैं, तो आप लोग जल्दी से क्लासेस को इनरोल करिए, अपने सेशन को अच्छे वे में कंप्लीट करिए, और देख लीजिएगा इससे कम फीस में आप लोगों को पूरी मार्केट में कोई नहीं पढ़ा रहा होगा, जो बड़े बड़े मार्केट में हैं। ठीक है, छोटे छोटे अभी जो उभर रहे हैं उनकी मैं बातें नहीं कर रहा हूँ मेरे भाई, क्योंकि सभी का रोजी रोटी चलना चाहिए। ठीक है, तो मैं एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप लोगों को फीस के चक्कर में नहीं पढ़ाता हूँ। ठीक है, अगर मैं चाहूँ मैं भी 1000 रुपये 1500 रुपये कर सकता हूँ, लेकिन नहीं मेरे भाई। ठीक है, मेरा जितने में हो जा रहा है, मेरा खर्चा पानी चल जा रहा है, बस उतने में हो जाए, आप लोग भी सीख जाओ, मैं भी सीख जाऊँ, हो गया खत्म बात। आइएगा, आगे चलते हैं दोस्तों, चीज़ें आप लोग बहुत सिंपल हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं बात कर रहा हूँ अदिश अवयव। ठीक है, क्या बोलूँगा, अदिश, अदिश आप लोग जानते होंगे दोस्तों, जिसे हम बोलते हैं स्केलर अवयव। ठीक है, अदिश अवयव। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, अदिश अवयव आखिर होता क्या है। अदिश अवयव बहुत सिंपल है मेरे भाई, इसमें क्या कहा जाता है कि कोई विकर्ण होगा दोस्तों, कोई विकर्ण होगा उसके सभी अवयव क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, या बराबर हो तो उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, उसे हम अदिश अवयव बोलेंगे। विकर्ण अवयव में क्या हो रहा था कि उसके विकर्ण में जो भी अवयव एलिमेंट्स लिखे गए हैं दोस्तों, उसी को छोड़ के बाकी सब जीरो हों, वो हमारा क्या हो रहा था, विकर्ण अवयव। लेकिन हमारा जो अदिश अवयव होगा, स्केलर मैट्रिक्स जो होगा दोस्तों, इसमें हमारा थोड़ा सा चीज़ें क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो चीज़ें आप लोग बहुत इजीली वे में देखेगा, सारी चीज़ें हमारी सिंपल ही है भाई। आइएगा, यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, इसमें क्या लिखना है आप लोगों को, थोड़ा सा लिख लीजिएगा, लिखेंगे दोस्तों, मैं हर एक चीज़ को लेते चलता हूँ। अब देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे, यदि क्या लिखेंगे, ऐसा अवयव लिखेंगे, ऐसा वर्ग, ऐसा अवयव जिसके 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 विकर्ण के सभी अवयव बराबर हों, ऐसा अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव क्या हों, बराबर हों, हो तो, ठीक है, हो तो उसे अदिश अवयव
उसे अदिश आव्यूह कहते हैं। ठीक है, अदिश आव्यूह कहते हैं। आइएगा एग्जाम्पल लीजिएगा मेरे भाई। अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन कर दूंगा कि थोड़ा सा गलत हो चुका है यहाँ पे जो वन लिखा गया है इसको टू कर लेंगे, नहीं तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, अदिश आव्यूह हो जाएगा। ठीक है, आइएगा अब देखिएगा दोस्त, यहाँ पे सिंपल से में एग्जाम्पल लीजिएगा। एग्जाम्पल बहुत सिंपल है मेरे भाई, लीजिएगा और इसे पचा भी लीजिएगा। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास है दोस्तों, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ वन है, जीरो है, जीरो है और वन है। ये कौन सा मैट्रिक्स होगा मेरे भाई? ये मेरा भाई अदिश मैट्रिक्स है, या इसे हम स्केलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, आइएगा एक और ले लेते हैं दोस्तों। जैसे मैं एक एग्जांपल और लेना चाहूँगा, दूसरा एग्जांपल रहेगा दोस्तों, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, इसके जो है विकर्ण ही क्या होंगे, केवल हमारे सभी क्या होंगे, ऐसे लिखा गया है, ऐसा भी हो जिसके विकर्ण के सभी अवयव क्या हों, बराबर हों। विकर्ण के देखिएगा, यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी है, दोनों विकर्ण के हमारे सारे अवयव क्या हों, बराबर हों। जीरो, जीरो मैं लेता हूँ, जीरो, यहाँ पे थ्री लेता हूँ, यहाँ पे जीरो लेता हूँ, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे थ्री ले लेता हूँ। दोस्तों एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि विकर्ण के सभी अवयव जो हैं समान है, तीन है, तीन है, तीन है, विकर्ण यही होता है दोस्तों, विकर्ण। ठीक है, विकर्ण यही वाली लाइन जो ऐसे खींच देते हो, यही मेरा विकर्ण होता है। ठीक है, तो ये जो लाइन खींची गई ऐसे खींच दी जाएगी तो ये मेरा क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रख लिए होंगे आई होप आप लोग, और चीज़ें समझ भी गए होंगे आप लोग। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अदिश आव्यूह हो जाएगा। ठीक है, आइएगा दोस्तों यूनिटी मैट्रिक्स की तरफ चलना चाहेंगे, जिसे हम बोलेंगे दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से लिखिएगा, हम बोलेंगे इकाई आव्यूह। ठीक है, क्या लिखेंगे, यूनिट मैट्रिक्स या इकाई आव्यूह, इकाई आव्यूह। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी, जहाँ पे भी दिक्कत हो रही होगी दोस्तों उसको आप लोग सिंपल से वे में, या यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं इसे, यूनिट, अरे यार ये यू है, यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, आइएगा दोस्तों इसमें क्या लिखना है, लिखेंगे इसमें आप लोग सिंपल से हमें लिखिएगा, ऐसा आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसके जिसके विकर्ण के सभी अवयव, सभी अवयव क्या हों, सभी अवयव एक हो। ठीक है, एक हो, एक मतलब एक, एक हो या इकाई हो, इकाई मतलब एक हो। ठीक है, एक, एक वन वाला। ठीक है, एक हो तो ऐसे आव्यूह को, तो हो तो ऐसे आव्यूह को, ऐसे आव्यूह को हम क्या बोलेंगे, ऐसे आव्यूह को हम बोलेंगे इकाई आव्यूह। ठीक है, ऐसे आव्यूह को इकाई आव्यूह कहते हैं। ठीक है, या यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, आइएगा अब एग्जांपल लीजिएगा मेरे भाई। एग्जांपल आप लोगों को एग्ज़ाम में देना ही देना है। ठीक है, एग्जांपल नहीं देंगे तो एग्जामिनर नहीं समझ पाएगा कि आखिर आपने चीज़ों को लिखा क्या है। एग्जांपल लिख देंगे, आपको नंबर मिल जाएगा। अब ऐसा भी नहीं है कि केवल एग्जाम में आप लोगों को एग्जाम्पल ही लिख के आना है। लिखेंगे दोस्तों इसे आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये भी आप लोग लिख लीजिएगा। आइएगा अब यहाँ से हम लिखेंगे दोस्तों, एग्जांपल लिखेंगे, यूनिट मैट्रिक्स को हम आई से डिनोट कर रहे हैं। आई इक्वल टू क्या लिखेंगे, विकर्ण के सभी अवयव क्या हो, इकाई हो। तो दोस्तों विकर्ण आप लोग बना लीजिएगा, यहाँ पे वन है, जीरो है, जीरो है, वन है। तो दोस्तों ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, ये हमारा इकाई मैट्रिक्स होगा। यानी ये जो विकर्ण है दोस्तों, विकर्ण इसी को हम बोलते हैं, विकर्ण के सभी अवयव क्या हों, सेम हो, यानी एक होंगे, तभी वो हमारा क्या कहलाएगा, विकर्ण आव्यूह, यानी टू क्रॉस टू का ये हमारा क्या है, विकर्ण आव्यूह है। एक एग्जाम्पल और लीजिएगा मेरे भाई, यहाँ पर हम जो लेते हैं वन है, जीरो, 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 यहाँ पे वन रहेगा। ठीक है, वन, जीरो, यहाँ पे जीरो लेता हूँ, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे वन। तो दोस्तों ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा इकाई आव्यूह है। ठीक है, ये थ्री क्रॉस थ्री का, यानी तीन पंक्तियाँ, तीन स्तंभ भी इसमें भी हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगली वाली डेफिनेशन की मैं तरफ चलना चाहूँगा दोस्तों, जो डेफिनेशन मैं लिखवा रहा हूँ वो चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए। ठीक है, आइएगा इकाई आव्यूह के गुण भी लिखवा दें क्या भाई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, वो चीज़ें इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आइएगा यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखेंगे,
कि अब हमारा आ गया त्रिभुजी आव्यूह, जिसे हम बोलेंगे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा त्रिभुजीय आव्यूह। अच्छा, जितनी भी चीज़ें लिखवाई जा रही हैं ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं मेरे भाई। इसमें से आप लोग ये मत छांटने लगिएगा कि ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। पाँच छः बहुत होंगी, सात आठ होंगी, सात आठ तो बहुत ही ईजिली वे में याद हो जाती हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत, इसमें बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं दोस्तों ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, आइएगा इसको लिखेंगे दोस्तों। इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे, अब लिखिएगा, इसमें लिखना है दोस्तों कि यदि किसी वर्ग आव्यूह यानी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, उसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर यानी ऊपर मतलब ऊपर अथवा नीचे के सभी अवयव क्या हों, शून्य हों, तो ऐसे आव्यूह को हम त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं, यानी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स उसे हम कहेंगे। ठीक है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हम देखेंगे दोस्तों बेसिकली दो प्रकार का होगा। ठीक है, यानी उच्च त्रिभुजीय आव्यूह और एक होता है निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। ठीक है, आइएगा मैं एक यहाँ पे देखिएगा, मैं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन लिखना चाहूंगा दोस्तों। डेफिनेशन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। लिखेंगे ऐसा आव्यूह जिसके विकर्ण के ऊपर अथवा नीचे, ठीक है, ऊपर अथवा नीचे के सभी अवयव या एलिमेंट भी लिख सकते हैं, सभी अवयव या तत्व भी लिख सकते हो, सभी अवयव शून्य हो तो उसे हम बोलेंगे दोस्तों त्रिभुजीय आव्यूह, उसे त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। ठीक है, बेसिकली ये दो प्रकार का होता है, लिखेंगे ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के। पहला लिखिएगा दोस्तों, फर्स्ट वन उच्च त्रिभुजीय आव्यूह, यहाँ पे लिखेंगे प्रथम एंड द्वितीय। पहला रहेगा दोस्तों उच्च त्रिभुजीय आव्यूह, लिखेंगे उच्च त्रिभुजीय आव्यूह, और ये एग्जाम में आप लोगों के बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, उच्च त्रिभुजीय आव्यूह होता है, एक होता है निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। ठीक है, दोनों चीज़ें आप लोग एग्जाम में पूछी गई हैं, तो इसको आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लेंगे। इम्पॉर्टेंट तो होता ही है, लेकिन अभी तक की चीज़ें जो थी इम्पॉर्टेंट थी, अब हमारा क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये ज़रूर पूछा जाता है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है थोड़ा सा, तो इसको आप लोग इम्पॉर्टेंट लिख के चलिएगा। ठीक है, आइएगा मैं आगे चलना चाहूँगा दोस्तों। इतनी चीज़ें आई होप आप लोग क्लियर होगी। हम त्रिभुजीय आव्यूह में क्या बोलेंगे, ऐसा आव्यूह होगा जिसके मुख्य विकर्ण यानी विकर्ण के ऊपर अथवा नीचे के सभी अवयव क्या हों, शून्य हों, उसे हम क्या कहेंगे, त्रिभुजीय आव्यूह कहेंगे। त्रिभुजीय आव्यूह हमारा दो प्रकार का हो रहा है, कौन कौन सा, एक उच्च त्रिभुजीय आव्यूह, एक निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। उच्च त्रिभुजीय आव्यूह की तरफ चलना चाहेंगे तो यहाँ पे पहला वाला जो लिखिएगा दोस्तों, यहाँ पे रहेगा उच्च त्रिभुजीय आव्यूह। ठीक है, उच्च त्रिभुजीय आव्यूह। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें सिंपल से वे में समझिएगा आप लोग क्या होता है। ठीक है, अच्छा इसमें भी चीजें लिखवा दें, कुछ थोड़ा बहुत लिखिएगा, इसमें भी लिखिएगा ऐसा वर्ग आव्यूह लिखेंगे, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे, यहाँ पे क्या रहेगा, नीचे, ठीक है,
कहता है नीचे देख नीचे नीचे, ठीक है, क्या कहता है मेरे भाई, नीचे देख नीचे, पीछे पीछे देख पीछे, कहता है ना पाकिस्तान वाला लड़का, ठीक है, मुख्य विकर्ण के नीचे नीचे के सभी अवयव क्या हों, के नीचे सभी अवयव, अच्छा अवयव में आप लोग कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा कि अवयव आखिर हम कहते हैं किसे हैं, जो हमारे जो हमारा मैट्रिक्स है उसके अंदर भरे हुए सारे मटेरियल्स जो हैं, जैसे हमारी कोई संख्याएं होंगी वही हमारे अवयव होंगे, ठीक है, अवयव क्या हो दोस्तों, सभी अवयव शून्य हो तो उसे उसे उच्च त्रिभुजी अवयव कहेंगे, ठीक है, उसे उच्च त्रिभुजीय अवयव कहते हैं, ठीक है, उच्च त्रिभुजी अवयव कहते हैं। आइएगा इसका एग्जांपल लीजिएगा मेरे भाई, एग्जांपल आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, कोई भी चीज़ें लिखिएगा एग्जांपल के बिना आप लोगों को नहीं देना है, ठीक है, अब पाँच नंबर में पूछा जाएगा भाई, तो पाँच नंबर में रहेगा तो पाँच ठो रहेगा, ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल रहते हैं भाई, जैसे नल मैट्रिक्स क्या हो गया, शून्य अवयव किसे कहते हैं, उच्च त्रिभुजी अवयव, और जो अभी पीछे लिखवाए हैं इकाई मैट्रिक्स क्या होता है, यूनिटी मैट्रिक्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें पूछी ही जाती रहती हैं, ठीक है, तो यहाँ पर लिखिएगा मेरे भाई एग्जाम्पल क्या रहेगा उच्च त्रिभुजी अवयव का, तो रहता है दोस्तों जैसे मैं मान लेता हूँ यहाँ पे देखिएगा क्या कहा गया है, एक हमारा लिखेंगे ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे, यानी मुख्य विकर्ण कौन कौन सा होगा दोस्तों, देखिएगा यहाँ पे चार तीन लेता हूँ, चार लेता हूँ, यहाँ पे रहेगा मेरा भाई, यहाँ पे वन ले लेता हूँ, यहाँ पे टू ले लेता हूँ, यहाँ पे एट ले लेता हूँ, ठीक है, कहा गया है दोस्तों मुख्य विकर्ण के नीचे, ये मेरा हो गया मुख्य विकर्ण हो गया दोस्तों, ये हमारा क्या हो गया मुख्य विकर्ण हो गया, इसके नीचे जो होगा दोस्तों सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, ठीक है, इसके नीचे हमारा जीरो आ जाएगा, इसके नीचे हमारा ये भी आ जाएगा, यहाँ पे भी ये हो जाएगा, तो कहा जा क्या जा रहा है कि मुख्य विकर्ण तो यही हो गया मेरे भाई, मुख्य विकर्ण तो यही हो गया, ठीक है, मुख्य विकर्ण के नीचे, ठीक है, यहाँ पे मैं भी लिख देता हूँ दोस्तों, ये आप लोगों को दिखाना जरूरी है, नहीं तो आप लोग भूल जाओगे मेरे भाई, ठीक है, मैं नहीं आप लोगों का ख्याल रखूँगा तो कौन, तो वही गाना है मेरे भाई, मैं नहीं तो कौन बे, बोल बोल बोल, मैं नहीं तो कौन बे, और एक गाना और था, मैं इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ, डॉक्टर के पास जाओ इतनी सुंदर है तू, डॉक्टर के पास जाओगी तो इसका भी इलाज आपको मिल जाएगा दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो मैं यहाँ पे लाइन खींच रहा हूँ इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्या ये हमारा त्रिभुज की तरह दिख रहा है, बोलेंगे सर ट्रायंगल तो दिख रहा है लेकिन प्रॉपर ट्रायंगल नहीं दिख रहा है, लेकिन यही तो हमें ध्यान रखना है मेरे भाई, हमने क्या कहा है कि कोई उच्च अवयव होगा दोस्तों, तो उच्च अवयव में क्या होंगे मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव क्या होंगे, शून्य होंगे, तो शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव क्या हों, शून्य हो, उसे हम क्या कहेंगे उच्च त्रिभुजी अवयव कहेंगे, तो ये वाला पार्ट आप लोग जो देख रहे हैं दोस्तों यही हमारा क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, यानी मुख्य विकर्ण के नीचे का सभी अवयव क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तभी हमारा क्या कहलाएगा उच्च त्रिभुजी अवयव कहलाएगा, सर ये तो समझ में आ गया, निम्न में क्या होगा, सर निम्न में क्या होगा, तो ये देख लीजिएगा ये 3x3 का है, आइएगा निम्न वाले को भी समझ लेते हैं मेरे भाई, कोई तूप तोप थोड़ी ना है निम्न वाला, ठीक है, वो भी आप लोगों की तरह है मेरे भाई, उसको भी कुछ नहीं पता है, बस चीज़ें उसको आती रहती हैं, इसलिए उसे थोड़ा बहुत पता होता है, आप लोगों को थोड़ा भी नहीं पता होता है, ठीक है, आइएगा आप सब कुछ पता हो जाएगा, ऐसा नहीं रहेगा, निम्न त्रिभुजी अवयव में लिखिएगा निम्न त्रिभुजीय अवयव, अच्छा ये सेशन जो भी स्टूडेंट छोड़ के जाते हैं मेरे भाई वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ठीक है, क्या मार रहे हैं कुल्हाड़ी, तलवार मार रहे हैं, चक्कू मार ले रहे हैं, ठीक है, जो कि अपाहिज बना देता है आप लोगों को ये चीज़ें, ठीक है, छोड़ के जाएंगे तो चीज़ें को या जो चीज़ें हैं वो और भी आप लोगों को जगड़ के रख लेगी, जाने ही नहीं देंगे, ठीक है, तो इसमें क्या लिखना है मेरे भाई, PDF, इसकी PDF आप लोगों को एप्लीकेशन पे मिल जाएगा मेरे भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, PDF आप लोग जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो एप्लीकेशन पे, ठीक है, तो भाई कोर्स की फ़ीस तो मैं बता ही रखा हूँ, कंप्लीट फीस रहेगी ₹199 में, ठीक है, तो उतने में आप लोग सारी चीज़ें मिल भी जाएंगे, ठीक है, आइएगा लिखेंगे दोस्तों ऐसा वर्ग अवयव, लिखेंगे ऐसा वर्ग अवयव, वैसा वर्ग ऐसा वर्ग अवयव जिसके जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर, ठीक है, अब क्या लिखेंगे, अभी तो नीचे वाली बातें हुई हैं, अब ऊपर की भी बातें की जाए भाई, मुख्य विकर्ण के
ऊपर के सभी अवयव, ऊपर के सभी अवयव क्या होंगे दोस्तों? शून्य होंगे, ठीक है, जीरो होंगे, शून्य हो, शून्य हो तो, शून्य हो तो उसे निम्न त्रिभुजी अवयव कहेंगे, निम्न त्रिभुजी अवयव कहते हैं, ठीक है। आइएगा एग्जाम्पल लीजिएगा, एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को चीज़ें समझ में आ जाएंगी मेरे भाई। तो चिंता मत करिएगा, किसी भी चीज़ का टेंशन नहीं लेना है, जब तक सूरज यादव हैं तब तक आप लोगों को कोई भी टेंशन नहीं लेना है मेरे भाई। एग्जाम्पल लीजिएगा, हमने क्या कहा है दोस्त, यहाँ पे समझिएगा, चीज़ें आप लोग बहुत ईजी हैं, बस आप लोगों को समझ के चलना है और मैं समझा दूंगा। मुख्य विकर्ण के अब बोला गया है, क्या कहा गया, ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर, अब मुख्य विकर्ण लिख लीजिएगा, पहले विकर्ण लिख लीजिएगा, वन रहेगा, यहाँ पे टू रहेगा, यहाँ पे मैं थ्री ले लेता हूँ, यहाँ पे रहेगा टू, यहाँ पे ले लेता हूँ थ्री, यहाँ पे फोर ले लेता हूँ। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव क्या होंगे दोस्तों, जीरो होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा जीरो, लिख लीजिएगा, यहाँ पे भी जीरो होना चाहिए और यहाँ पे भी जीरो। तो यही चीज़ हुआ ना मेरे भाई, कहा गया कि यहाँ पे उच्च त्रिभुजी अवयव में क्या हुआ, मुख्य विकर्ण के नीचे, उच्च में नीचे करिएगा, निम्न में हमारा ऊपर कर दीजिएगा, थोड़ा सा उल्टा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा हमने क्या कहा दोस्तों, यही हमारा मुख्य विकर्ण है, यही तो हमारा मुख्य विकर्ण है जो मैं लाइन ले जा रहा हूँ, ये हमारा क्या है, मुख्य विकर्ण है, ठीक है। अब यही हमारा क्या है, क्या है मेरे भाई, यही जो आप लोग देख रहे हो ये वाला पार्ट, यही हमारा पार्ट क्या है, जीरो है, ठीक है, क्या है, ये जीरो है, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा दोस्तों निम्न त्रिभुजी अवयव हो जाएगा, ठीक है, थ्री क्रॉस थ्री का है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो वर्ग अवयव मतलब थ्री क्रॉस थ्री होना चाहिए, ठीक है, या टू क्रॉस टू होना चाहिए, वही हमारा क्या कहलाएगा, वर्ग अवयव। अच्छा एक चीज़ समझिएगा दोस्तों, त्रिभुजी अवयव में क्या हमें थोड़ा सा दिक्कत हुआ है क्या, बोलेंगे नहीं सर, हमने इतना ध्यान रखना है हमें कि उच्च त्रिभुजी अवयव कहेगा तो मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव को जीरो कर देना है, और जब निम्न त्रिभुज अवयव कहेगा दोस्तों, या निम्न त्रिभुजी अवयव कहेगा तो मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव को जीरो कर देना है, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए, ठीक है। आइएगा, तो हमने निम्न त्रिभुजी और उच्च त्रिभुजी और ये सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी। अब हम चलते हैं दोस्तों सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी सममित अवयव की तरफ चलना चाहेंगे, ठीक है। आइएगा, हेडिंग लिखिएगा भाई, हेडिंग क्या होनी चाहिए, सममित अवयव लिखिएगा, सममित या सममित या सममिति बोलते हैं, ठीक है, सममित लिखिएगा, सममित अवयव, सममित लिखिएगा, सममिति यही है मेरे भाई, हमें याद नहीं है कम्प्लीटली, ठीक है, यही है शायद हिंदी इसकी यही है, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे, यस, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आइएगा, ये क्या होता है सर, मैट्रिक्स आखिरी होता क्या है, सममित अवयव होता क्या है, सममित का मतलब होता है दोस्तों, अगर इसके पंक्तियों और स्तंभों की संख्या को हम अगर चेंज कर दें या परिवर्तित कर दें तो हमारे मैट्रिक्स पर यानी अवयव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, यही चीज़ लिख दीजिएगा, बहुत सिंपल है। लिखेंगे दोस्तों, यदि कोई वर्ग अवयव या ऐसा वर्ग अवयव लिखिएगा, ऐसा वर्ग अवयव, ऐसा वर्ग अवयव, वर्ग अवयव जिसके जिसके पंक्तियों तथा स्तंभों में रो एंड कॉलम बात किया जा रहा है, रो एंड कॉलम, पंक्तियों तथा स्तंभों या ये भी ले लीजिएगा, नहीं तो थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा अटपटा हो सकता है, या लिख लीजिएगा या स्तंभों, ऐसा नहीं है कि एक ही चीज को, या स्तंभों तथा पंक्तियों को बदल दिया जाए,
बदल दिया जाए तो आव्यूह पर कोई प्रभाव आव्यूह पर कोई प्रभाव ना पड़े तो इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, सममित आव्यूह कहेंगे। तो इसे हम सममित आव्यूह कहेंगे, ठीक है, सममित आव्यूह कहते हैं। तो इतनी चीज़ें आप लोग क्लियर हो गई होगी, या हमने यहाँ पे एक चीज़ बोला है दोस्तों, या पंक्तियों की संख्या को परिवर्तित की जाए, स्तंभों की संख्या को बदल दिया जाए, पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या बदल दिया जाए, स्तंभों तथा पंक्तियों की संख्या बदल दिया जाए तो हमारे मैट्रिक्स पर यानी आव्यूह पर कोई प्रभाव ना पड़े, तो ऐसे आव्यूह को हम सममित आव्यूह कहते हैं। आइएगा एग्जाम्पल लीजिएगा, एग्जाम्पल से हमें चीज़ें जो है बहुत अच्छे में क्लियर होती चली जाएंगी। एग्जाम्पल देखिएगा, ठीक है, मैं कोई एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ, यहाँ पे लीजिएगा, एक मेरे पास मैट्रिक्स है मेरे भाई, जिसमें लिखा गया है दोस्तों ए है, यहाँ पे एच है, यहाँ पे जी है, और दोस्तों यहाँ पे क्या है मेरे भाई, यहाँ पे एच है, यहाँ पे बी है मेरे भाई, यहाँ पे एफ है, ठीक है, यहाँ पे मैं जी ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं एफ ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं सी ले लेता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अगर पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या बदल दी जाए भाई तो हमारे मैट्रिक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैं मान लेता हूँ अगर दोस्तों मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ए इक्वल टू मैट्रिक्स, अब इसमें हम अगर चेंजेस करेंगे तो मेरा यही क्या हो जाएगा, मैं इसे ए डैश मान लेता हूँ, ठीक है, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, ये चेंज मतलब होता है, डैश का मतलब होता है किसी चीज़ को चेंज किया गया है, यानी पंक्तियों की संख्या को स्तंभों में कन्वर्ट किया गया है। दोस्तों ये हमारी क्या है, पंक्ति है, इसको स्तंभ में चेंज कर दिया तो इसको क्या करना है, सीधा खड़े खड़े रख दीजिएगा। तो देखिएगा ए लिखिएगा, स्तंभ में चेंज कर रहे, एच लिखिएगा, और क्या लिखना है, जी लिखना है, ठीक है, ये तो लिख गया। अब दोस्तों ए जो है, ए वाली लाइन को आप क्या लिखेंगे, इसको भी क्या करेगा, स्तंभ में चेंज कर दीजिएगा, जैसे एच है, क्या करना है, बी है, ठीक है, और एफ रहेगा, ठीक है, इसको चेंज किया कि नहीं किया, इस वाली लाइन को हमने क्या किया, स्तंभ यानी पंक्तियों को क्या किया हमने, स्तंभों में चेंज किया है, ठीक है। आइएगा इस वाली पंक्ति को स्तंभ में चेंज करिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा जी हो जाएगा, यहाँ पे एफ हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हमारा सी हो जाएगा। तो बताइएगा हमारे स्तंभ पे कोई प्रभाव पड़ा है या क्या, क्या हमारे मैट्रिक्स पे कोई प्रभाव पड़ा, बोलेंगे नहीं सर, देख रहे हैं सर कि अगर हमने यहाँ पे स्तंभ को हमने जो हमारा सॉरी जो रो है उसको हमने कॉलम में चेंज कर दिया तो भी हमारे मैट्रिक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक है। तो देख सकते हैं दोस्तों ये हमारा पंक्ति था, इसको हमने स्तंभ में चेंज कर दिया, इसी पंक्ति को हमने स्तंभ में चेंज किया तो हमारा इस मैट्रिक्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, यह हमारा क्या है दोस्तों, सममित आव्यूह है, ठीक है। क्या कहा, पंक्तियों की संख्या को अगर हम स्तंभों की संख्या में बदल देते हैं तो हमारे आव्यूह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अतः यह क्या है हमारा, यह हमारा सममित आव्यूह यानी सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है, ठीक है दोस्तों। तो इस बात को जरूर याद रखिएगा, एग्जाम्पल आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर चीज़ें ये वाले इंपॉर्टेंट को याद कर लेते हैं आप लोग तो आपके एग्जाम में दोस्तों ये समझिएगा कि एक नंबर या दो नंबर जो रहेगा फिक्स हो जाएगा, ठीक है। आइएगा आगे चलते हैं दोस्तों, दूसरा दोस्तों मेरा जो नेक्स्ट रहेगा दोस्तों यहाँ पे है दोस्तों विषम यानी ऑड, इसे हम बोलते हैं दोस्तों ऑड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या बोलेंगे, ऑड सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारी एग्जाम में आती रहती हैं तो ये भी आप लोगों को मैं लिखवा ही देता हूँ। ऑड में क्या होता है, बस थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है कि वहाँ पे माइनस हो जाता है, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है तो ये पूछा भी नहीं जाएगा, ठीक है। आइएगा आगे चलते हैं दोस्तों, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रख लीजिएगा क्योंकि एक जगह काम में आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा जाए तो दोस्तों यहाँ पे हम परिवर्त आप यू लिख सकते हैं यानी रिवर्स मैट्रिक्स परिवर्त, ठीक है, परिवर्त आप यू, ये भी काम में आता रहता है, इसलिए इसे मैं लिखूंगा क्योंकि जब मैं आप लोगों को एक चीज़ सिखाऊंगा, ठीक है, तो उसमें आप लोगों का आएगा, ठीक है। हमने सारी चीज़ें जो आपके सिलेबस में थी उसको कंप्लीट कर दी है दोस्तों, ठीक है। ऑर्थोगोनल वाला नहीं हुआ है क्या, ऑर्थोगोनल आगे है शायद आप लोगों का, देख लेता हूँ अभी। परिवर्त आव्यूह को सबसे पहले समझिएगा, ठीक है। तो परिवर्त आव्यूह क्या होता है दोस्तों, इसमें हम क्या करते हैं पंक्तियों को हम क्या करते हैं स्तंभों में चेंज कर देते हैं, क्या करते हैं पंक्तियों को हम क्या करते हैं पंक्तियों को स्तंभों में क्या किया जाता है चेंज कर दिया जाए या स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों परिवर्त आव्यूह कहेंगे। लिखेंगे ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या या पंक्तियों को स्तंभों में
स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो इसे परिवर्त आव्यूह कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसे, हम क्या कहेंगे, परिवर्त आव्यूह कहते हैं। ठीक है, आइएगा तो परिवर्त आव्यूह तो आप लोगों का बहुत सिंपल है दोस्तों। इसमें करना क्या है, पंक्तियों या स्तंभों की संख्या को क्या कर देना है, चेंज कर देना है, उसे हम क्या कहेंगे, परिवर्त आव्यूह कहेंगे। आइएगा, परिवर्त आव्यूह को हम बेसिकली इसे a^t ट्रांसपोज बोलते हैं दोस्तों, या इसी को हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स भी बोलते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं भाई, लिख लीजिएगा ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, इसको भी लिख सकते हो। ठीक है, या रिवर्स मैट्रिक्स भी लिख सकते हो। तो a^t या लिख सकते हो। मम्मी का कॉल क्यों आ रहा है, तो a^t या यहाँ पे लिख सकते हैं a^-, या फिर ऐसे भी किया जा सकता है, या फिर इसके ऊपर दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऐसा भी लिखा रहता है, तो इससे भी हम क्या करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, से प्रदर्शित करते हैं। अगर मेरा भाई फोन लिया होगा तो बार बार करेगा, मम्मी ली होंगी तो नहीं करेंगी, भाई लिया होगा तो बार बार करता रहेगा। चलेगा, एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों। एग्जांपल क्या रहेगा, तो एग्जांपल रहने वाला है दोस्तों a^ रहेगा मेरा, यहाँ पे हम पंक्तियों को स्तंभों में चेंज करेंगे, स्तंभों को पंक्तियों में चेंज कर दीजिएगा, कोई मतलब नहीं है, सिंपल से वे में सारी चीज़ों का मतलब वही है। ठीक है, तो यहाँ पे 1, 5, 2 लेते हैं, यहाँ पे 2, 6, 1 लेते हैं, यहाँ पे मेरा 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको देखिएगा, जब भी दोस्तों एक चीज़ ध्यान में, परिवर्त आव्यूह लिखेंगे तो a^t देख कर दीजिएगा। ठीक है, या फिर आप लोग a^ या a' कर दीजिएगा। ठीक है, इसका मतलब भी क्या हो जाएगा कि हम चीज़ों को चेंज किए हैं। ठीक है, आइएगा, इसका हम मतलब आगे चल के बताएंगे दोस्तों कि क्या मतलब है इसका। ठीक है, आगे आप लोग ए इनवर्स जब निकालेंगे, इनवर्स आव्यूह जब आप लोगों को मैं बताऊंगा, जो इनवर्स आव्यूह जो होता है दोस्तों, वो आप लोग एग्जाम में 5 नंबर में आता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बताएंगे डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, आइएगा दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे पंक्तियों, यानी पंक्ति जो है दोस्तों, इसको स्तंभ में चेंज कर देगा, 1 है, 5 है, और यहाँ पे क्या कर देना है, 2 कर देना है। इस पंक्ति को स्तंभ में चेंज करिएगा, तो 1, 2 है, 6 है, इसे पंक्ति में, स्तंभ में इस प्रकार से कर देंगे। इसको खड़ा खड़ा रख दीजिएगा, यानी ए खड़ा 1 हो गया, ए 2 हो गया, ए 3 हो गया। ठीक है, तो ए हमारा जो होगा दोस्तों, ये हमारा क्या कहलाएगा, यही हमारा क्या कहलाएगा मेरे भाई, ये जो आप लोग को देख रहे हैं दोस्तों, ये जो देख रहे हैं, यही हमारा क्या हो जाएगा, परिवर्त आव्यूह हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें और देख लेता हूँ कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, उसके बाद मैं आगे ले चलता हूँ आप लोगों को। ठीक है, नहीं तो इतने जो चीज़ें मैं बता दिया हूँ, इतने से आप लोगों का जो है कंप्लीट काम हो जाने हैं। ठीक है, आइएगा, एक टॉपिक और बचता है दोस्तों, यहाँ से हमारे सिलेबस का नेक्स्ट जो है हेडिंग रहेगा, देखिएगा यहाँ पे हम आप लोगों को 2 चीज़ें छोड़वा रहा हूँ, एक हमारा रहेगा दोस्तों हर्मिटियन रहेगा दोस्तों, इसकी हर्मिटियन रहेगा, इन चीज़ों को हम छोड़ रहेंगे, आगे आप लोगों का सिलेबस में है, इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, आप लोग को कोई दिक्कत भी नहीं होना चाहिए मेरे भाई कि सर आप क्यों नहीं बता रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम बात करेंगे डिटरमिनेंट। ठीक है, क्या बात कर रहे हैं, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। अब दोस्तों ये जो डिटरमिनेंट कहा जा रहा है, ये हमारा सारणिक, यानी कोई आव्यूह होगा। ठीक है, कोई आव्यूह होगा, देखिएगा यहाँ पे लिखते हैं, कोई आव्यूह होगा दोस्तों, यहाँ पे सिंपल से में आप लोग सुन लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, सुनना है बस, आपका काम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है, क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। यहाँ पे हमें क्या कहा था, डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट का मतलब सिंपल से में
यही होता है दोस्तों, सारणिक में कोई चीज़ को रखा जाए, यही आप लोगों से पूछा जाता है, ठीक है, यही आप लोग एग्जाम में पूछा जाता है, डिटरमिनेंट है दोस्तों। अब होता क्या है दोस्तों, कोई हमारा मैट्रिक्स रहेगा उसका हमें डिटरमिनेंट पूछा जाता है, ठीक है, कोई मैट्रिक्स रहेगा दोस्तों, यहाँ पे लिख सकते हैं यही बात लिख दीजिएगा, किसी अव्यूह का सारणिक निकालना, ठीक है, कोई अव्यूह होगा दोस्तों उसका सारणिक कैसे निकाला जाएगा, मैं यही बात आप लोगों से आज करने वाला हूँ, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना होता है, एग्जांपल लीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन या एग्जांपल के थ्रू देखेंगे तो चीज़ें हमारी बहुत इजीली वे में क्लियर होती चली जाती है, ठीक है। मेरे पास एक एग्जांपल है दोस्तों, मैं यहाँ पे ले सकता हूँ, जैसे मेरे पास एक मैट्रिक्स है दोस्तों, यहाँ पे 3 है 2 है 4 है और 6 है, ठीक है, इसका हमें का डिटर्मिनेंट ज्ञात कीजिए, क्या कह रहा है, क्या क्या कहा जा रहा है, डिटर्मिनेंट पूछेगा दोस्तों, तो मॉड ऑफ ए का मॉड ऑफ ए या डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज्ञात कीजिए, बताइएगा ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सिंपल से हमें क्या करना है दोस्तों, मैं मान लेता हूँ ए इक्वल टू दिया हुआ है आप लोगों के एग्जाम में दिया है, ए मैट्रिक्स यानी कोई अव्यूह है, इसका हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। डिटर्मिनेंट करने का मतलब क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले इस चीज़ को क्या कर लेना है, सारणिक में लिख लेना, सारणिक का सिंबल यही होता है दोस्तों, मैट्रिक्स का सिंबल थोड़ा सा बड़का वाला कोष्ठक हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे 6 लिखेंगे। अब दोस्तों इसका हमें क्या करना है, यहाँ पे भी ऐसे लगा देना है, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट का सिंबल है। और दोस्तों यही हमसे एग्जाम में पूछा जाता है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, दोस्तों 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं दोस्तों, इसका गुणा यहाँ पे कर दीजिएगा, यानी ए वाले भैया जी का गुणा कर दीजिएगा, ये मुन्ना भैया है, मुन्ना भैया का गुणा किसमें करेंगे, ये गुड्डू भैया के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे 6 गुणे 3 कर देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा, आइएगा। चिंकी का गुणा पिंकी के साथ कर देंगे दोस्तों, ये चिंकी है, पिंकी है, चिंकी का गुणा पिंकी के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4 गुणा 8 हो जाएगा। माइनस में करेंगे दोस्तों, ये जो होगा माइनस में 8 हो जाएगा। तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये कितना घटाने के बाद कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, यानी हम किसी अव्यूह का क्या किया है, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किए हैं, यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम में आप लोगों को ये देखिएगा, ये कभी पूछा जाएगा दोस्तों, 1 नंबर में रहेगा, आइएगा 2 नंबर ये भी ले लीजिएगा यहाँ से, क्योंकि ये चीज़ें हमसे पूछी ही जाएंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में चलता हूँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो रहेगा दोस्तों, यहाँ पे ए अव्यूह रहेगा दोस्तों, ठीक है, ए हमारा जो दिया जाएगा यहाँ पे, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, तभी हमारी चीज़ें होंगी क्लियर होंगी। यहाँ पे 2 लेता हूँ, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 2 4 5, 3 2 1 ले लेता हूँ। तो हमें यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है मेरे भाई, मॉड ऑफ ए कैलकुलेट करना है। ए आप लोग एग्जाम में कितने नंबर का पूछा जाएगा, 2 नंबर का। अगर दो रो और दो कॉलम रहेंगे दोस्तों, तो वो 2 नंबर में, 1 नंबर में रहेगा, और 3 स्तंभ और 3 कॉलम, यानी 3 कॉलम और 3 जो हमारे होंगे रो होंगे, तो वहाँ पे हमारे क्या हो जाएंगे, 2 नंबर में बढ़ जाएंगे, नंबर हमारा बढ़ता चला जाएगा। सबसे पहले हमने क्या बताया दोस्तों, इस वाले मैट्रिक्स को सिंपल फॉर्म में ऐसे लिखिएगा, ठीक है, इसको हम क्या कर लेंगे, मॉड फॉर्म में लिख लेंगे। इस मैट्रिक्स को क्या करेंगे, मॉड फॉर्म में लिखेंगे। मॉड में लिखने का मतलब होता है सारणिक में लिखना, ठीक है। तो 2 रहेगा 3 रहेगा 1, जो चीज़ें यहाँ पर लिखेंगे सिंपल से वे में यहाँ पर उतार दीजिएगा, 4 5, यहाँ पे 3 2 1 रहेगा। अच्छा, आप लोगों को अभी हमें आगे एक चीज़ मैं सिखाऊंगा दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखिए, चाहे मैट्रिक्स हो चाहे अव्यूह हो, ठीक है, चाहे मैट्रिक्स हो दोस्तों चाहे अव्यूह हो, तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे कोई नंबर है, यहाँ पे कोई नंबर है, वहाँ पे, ठीक है, 3x3 की बात कर रहा हूँ, या 2x2 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो मैं यहाँ पे लाइन डॉट वाली लाइन दिखाया हूँ, ये हमारे मान लीजिए यहाँ पे कोई नंबर्स हैं, ठीक है दोस्तों। मैं जो पेन को यहाँ पे चला रहा हूँ, इस पेन को ध्यान से देख लीजिएगा, और इस पेन को जो भी स्टूडेंट समझ गया उसका माइनस प्लस में कोई गलती होगा ही नहीं अपने लाइफ में, ठीक है। मैंने क्या कहा कि उसके ज़िंदगी में माइनस प्लस में कोई दिक्कत होगा ही नहीं दोस्तों। जो वाला कोना आप लोग देख रहे हो, एक कोना यहाँ पे हो गया, एक कोना यहाँ पे हो गया, एक कोना तो यहाँ पे बन गया मेरा भाई, और एक कोना मेरे भाई यहाँ पे बन गया, एक कोना यहाँ पे बन गया, बताइएगा इन कोनों पे आप लोग क्या करना है दोस्तों। इन कोनों पे हमें माइनस साइन लगा देना है, बाकी सारे जो होंगे दोस्तों पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। ये माइनस साइन हो गया, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे भी पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव। तो हम यहाँ पे सिखाना क्या चाह रहे हैं आप लोगों को, सिखाना ये चाह रहे हैं दोस्तों, सिंपल समय में आप लोग डॉटेड लाइन से पेंसिल ले जाइए एग्जाम में, बस ऐसे खींच देना है, ठीक है। एक लाइन ऐसे खींचेगा, और माइनस प्लस वाला आप लोगों को झंझट ही छूट जाएगा, प्लस माइनस प्लस, ये सारी चीज़ों को नहीं पढ़ना है, ठीक है, भूल जाओगे मेरे भाई। अगर कहोगे आप लोग प्लस माइनस प्लस, ये भी प्लस रहेगा,
माइनस प्लस माइनस ये सारी चीज़ें भूल जाओगे मेरे भाई, ठीक है। यही आप लोगों को दिमाग में रखना है कि ऐसे हमें क्या कर लेना है, एक हमें क्या करना है, यहाँ पे इस प्रकार से लाइनें खींच लेनी है, ठीक है। और जैसे ही ये लाइनें खींचोगे आप लोगों का दुख दर्द जो है, तकलीफ जो है, वो दूर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आइएगा आगे चलते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को देखते हैं और इससे हमें क्या पता चलता है, इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों। इसका कैलकुलेशन क्या होता है, इसको दो कर लीजिएगा, सबसे पहले दो लीजिएगा, दो लेंगे, यही दो ले रहे हैं मैं, ठीक है। दो को लिखे कोष्टक बनाइएगा। अब दोस्तों जब दो लिया जाएगा तो इसके आगे के सारे पार्ट खत्म हो जाएंगे। देखिएगा मैं जो जो चीज़ें यहाँ पे मैं जो चीज़ें हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको ध्यान समझिएगा आप लोग, ठीक है। ए वाली चीज़ें खत्म हो जाएगी और ए वाली चीज़ें खत्म हो जाएंगी, ठीक है। तो बचेगा क्या मेरे पास, तो बचेगा दोस्तों चार बचेगा, दो बचेगा, पाँच बचेगा, एक बचेगा। इसका गुणा इसमें कर दीजिएगा, इसका गुणा इसमें कर दीजिएगा, हमारा काम हो जाएगा। आइएगा दिखा देते हैं एक बार फिर से, चलेगा। आई होप आप लोग इतनी चीज़ें समझ गए होंगे कि आखिर मैंने क्या बताया मेरे भाई। तो यहाँ से इन चीज़ों को मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि हमारे पास बच क्या रहा है। तो दोस्तों इसको ख़त्म किया आप लोगों ने, इसको ख़त्म किया तो ए बचा और ए बचा। देखिएगा इसका गुणा यहाँ पे करेंगे दोस्तों, चार एकम चार हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखिएगा, चार एकम क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा, ठीक है। ये चार एकम चार हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे इसका गुणा कर देंगे, पाँच दूना दस। अब देखिए यहाँ पे हमारा माइनस के दस लेंगे, ठीक है। आइएगा हमें यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होता है, दिक्कत तो हमें यहाँ पे होता था सर। अब देखिए इस वाले पोर्शन पे हम आ चुके हैं, तो इस वाले पोर्शन पे हम क्या लेंगे, माइनस साइन लेंगे, ठीक है। माइनस यहाँ पे कितना है, दो है, दो ले लीजिएगा। आइएगा दोस्तों एक बार फिर से मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा यहाँ पे कि जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इस पे आ गया हूँ ना, इस वाले पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे जब आएंगे इसके नीचे के सारे पार्ट खत्म कर दीजिएगा, इसके ऊपर के सारे पार्ट को खत्म कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, तीन बचेगा, एक बचेगा, दो बचेगा, चार एक बचेगा, ठीक है। यानी इस एक का गुणा इसमें तीन में कर देंगे, इस तीन का इसमें कर देंगे, ठीक है। तो तीन एक कम तीन माइनस के, ठीक है, तीन एक कम तीन माइनस के दो कर देंगे, ठीक है। माइनस के कर देंगे दो कर देंगे। देखिएगा यहाँ पे मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप यहाँ से समझिएगा आप लोग। मैंने क्या कहा दोस्तों, इसका गुणा आप लोगों ने यहाँ पे किया और इसका गुणा यहाँ पे किया, तो कितना हो जाएगा, तीन एक कम तीन माइनस के क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा, ठीक है। यानी दो एक कम दो हो जाएगा इसका। देखिएगा जब इसके, जब इसको हम आएंगे इसके ऊपर आ जाएंगे तो इसके नीचे के सारे पार्ट खत्म कर देंगे और इसके नीचे के पार्ट, इसके दाएँ बाएँ के पार्ट को खत्म कर देंगे तो हमारे पास जो बचेगा उसका गुणा करके हम लिख देते हैं, ठीक है। तो इसमें ए बचा दोस्तों और ए बचा, इसका गुणा यानी इसका गुणा एक का गुणा तीन में करेंगे और एक का गुणा दो में कर देंगे तो हमारा तीन माइनस दो हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाइएगा दोस्तों, यहाँ पे हमारा क्या टच कर रहा है, बोलेंगे नहीं तो यहाँ पे प्लस ले लीजिएगा, प्लस वाले पाइएगा तीन वाले पे, ठीक है। तीन वाले पे आ गए सर, यहाँ पे हम क्या करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा मेरे भाई मेरे बंधु, जब तीन पे आ जाएंगे तो तीन के नीचे के सारे पार्ट को ख़त्म कर दीजिएगा आप लोग और उसके आगे के सारे पार्ट को ख़त्म कर दीजिएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, तीन बचेगा, चार बचेगा, एक बचेगा, पाँच बचेगा। इस चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब इन चीज़ों को आप लोग ध्यान रखेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, देखिएगा तो हमारे पास क्या बचेगा दोस्तों, अगर हमने कहा कि ए वाला खत्म हो गया और नीचे वाला खत्म, यहाँ पाँच तिहाई कितना हो जाएगा, पंद्रह, और माइनस के क्या हो जाएगा, चार एकम चार हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसको हमें क्या करना है, कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। कैलकुलेट कैसे होगा दोस्तों, देखिएगा दो, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, दस में से चार चला जाएगा तो माइनस के छः बचेगा, ठीक है। अब आइएगा यहाँ पे माइनस लिखिएगा टू, और यहाँ पे भी सिंपल वे में सॉल्व कर लीजिएगा, दो में से एक घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, एक बच जाएगा, प्लस करिएगा तीन हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे पंद्रह में से दोस्तों चार चला जाएगा तो पंद्रह में से चार जाएगा तो ग्यारह बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 11 बच जाएगा, गुणा कर दीजिएगा दोस्तों, तो गुणा करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, छः तरीक 18, माइनस के 18 कर देंगे और यहाँ पे कितना हो जाएगा, दो एक कम दो हो जाएगा, माइनस के दो हो जाएगा दोस्तों, 11 तीन कितना हो जाएगा, प्लस के 33 हो जाएगा, और दोस्तों 18 दो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। देखिएगा माइनस के 18 माइनस के दो कितना हो जाएगा, माइनस के 20 हो जाएगा, और प्लस के कितना है, 33। अगर दोस्तों मैं यहाँ पे बोलूँ 33 में से 20 घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो बोलेंगे सर हमारे पास 13 बच जाएगा। कितना बचेगा मेरे भाई, 13 बच जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों ये कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, प्लस में आएगा। तो मॉड ऑफ ए की जो वैल्यू होगी दोस्तों कितना आ जाएगी, 13 आ जाएगी। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हमारा यहाँ पे मॉड ऑफ ए इक्वल टू जीरो नहीं आता है कभी, अगर ये तो अभी की केसेस नहीं है, आगे बताऊंगा ये अभी का केसेस, इसको ध्यान में मत रखिएगा कि मैं यहाँ पे मॉड ऑफ ए का मतलब जीरो क्या है, आगे जब आप लोगों को कैलकुलेशन सिखाऊंगा तो वहाँ पे रहेगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को आज के सेशन में आप लोग कोई दिक्कत नहीं हुआ आ गया कि भाई क्या डेफिनेशंस थे, सारे डेफिनेशंस को मैंने डिस्कस किया। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए भाई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा दोस्तों कैसे हम किसी मैट्रिक्स का हम सखंड अवयव निकालेंगे, सखंडज कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकाला जाता है, और किसी मैट्रिक्स का ए इनवर्स कैसे निकाला जाता है, और ए इनवर्स आप लोग एग्जाम में दोस्तों ए इनवर्स जो होता है, ठीक है। आइएगा इसको भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि जो ए इनवर्स होता है, तो ए इनवर्स जो होता है दोस्तों, ए इनवर्स जो आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाता है, ये पाँच नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। तो इस पाँच नंबर को आप लोगों को अच्छे वे में, सिंपल से वे में आप लोग क्लियर कर पाओगे, बस आप लोगों को जुड़ना है डेली स्टडी मेगा पॉइंट के साथ, ठीक है। तो चलिएगा दोस्तों आज के इतना ही रखा जाएगा,
और आज के सेशन में बताइएगा कहाँ पे आप लोगों को दुख तकलीफ, जो दुख दर्द हुआ होगा आप लोग हमसे बयां कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आप लोगों का हर एक चीज़ का आंसर दे दूंगा, ठीक है दोस्तों। टेलीग्राम चैनल को आप सभी स्टूडेंट ज्वाइन कर लेंगे दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें जो होंगी दोस्तों, इसकी जो पीडीएफ होगी एप्लीकेशन पे आप लोगों को डाउनलोड या अपलोड कर दी जाएगी, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। सिंपल समय में हर एक चीज़ दी गई है, जो भी डाउट्स होंगे आप लोग वहाँ पे क्लियर करिएगा, ठीक है, चलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, एप्लीकेशन लिंक भी मिल जाएगा। एप्लीकेशन में आप लोग जाएंगे तो वहाँ पे स्टडी इलेक्ट्रिकल थर्ड सेमेस्टर के नाम से मिल जाएगा, पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के नाम से कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। तो उस कोर्स को ज्वाइन करने पे देखिएगा, जो कोर्स होगा दोस्तों इलेक्ट्रिकल थर्ड सेमेस्टर वाले जरूर ज्वाइन करेंगे, क्योंकि वहाँ पे आप लोग कंप्लीट छः सब्जेक्ट आप लोगों को दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिएगा दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखा जाए, ठीक है, आज के लिए इतना ही रखा जाए। मिलते हैं आप लोगों से नए लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।